गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कुक विद रिधिमा। आज हमारी फर्स्ट वीडियो है और आज हम अपनी शुरुआत हलवे से करेंगे। और अब हम आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। हमारे चैनल को एंड तक देखना हमारी वीडियो को, और चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हलवा बनाने जा रहे हैं। अपनी फर्स्ट जो शुरुआत है तो वो हलवे से करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहला जो हम प्रसाद भगवान जी को भोग लगा के अपनी शुरुआत करेंगे। तो ये देखो, ये आटे का हलवा है जो बिल्कुल लंगर स्टाइल में जो खाते हैं लोग बहुत लाइक करते हैं, जो ज़्यादातर घर में नहीं बनाया जाता तो उस टाइप में हम बनाएंगे। ये हाफ कटोरी लेंगे, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी लेंगे हम आटा, तो जो गेहूँ का आटा है, और साथ में 2 चम्मच हम लेंगे बेसन और 2 चम्मच हम लेंगे सूजी। साथ में जितना हमारा ये इसको मिक्स कर देंगे तो ये फुल कटोरी हो जाएगा। एक ऐसे जितना ये हमारी कटोरी है उतना ही घी लेंगे और उतना ही हम चीनी लेंगे, और ये ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, हमने ये कटोरी से जो हमने सारा कुछ मेजर करके रखा था उसी कटोरी से हमने घी जो है इसमें डाल देना है। वो घी मेल्ट हो जाता है तो ये सारा, तब तक मैंने इसको छान लिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ रह जाता है तो वो हलवा जो हमारा अच्छा नहीं बनता, इस करके हमने इसको अच्छे से छान लेना है। ये मेल्ट हो रहा है, अभी 2 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। देखो, ये सारा चीज जो है हमारा मेल्ट हो गया, इसमें हम इसको डाल देंगे अच्छे तरह से इसको मिला। ये अपना जो हलवा है इसमें आटा सारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। मेन इसको भूनने का ही वो रहता है, जितना अच्छे से हम इसको भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा जो हलवा है वो बनेगा। इसमें हमने 2 कटोरी, जितना हमारा सारा वो था आटा था उतना ही हमने इसमें 2 कटोरी पानी डाल दिया है, और हम इसमें डालेंगे चीनी। तब तक हम अपनी साइड में जो है चाशनी बना लेते हैं, इसको सिम पे रखते हैं। अभी हम इसको सिम में पकाएंगे, जब तक इधर हलवा तैयार हो रहा है उधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है। तो ऐसे ये जो हमारा आटा है वो अच्छे से अपना कलर चेंज कर रहा है, इसको हम अच्छे से भूनें। 5 मिनट लगते हैं अच्छे से भूनने में, इसका अच्छा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए। इसका कच्चा पन है सूजी का, बेसन का और आटे का वो निकल जाना चाहिए, और इसकी मतलब कि जो सी है वो पड़ने लग जाती है, तो उससे भी हमें पता लगता है कि जो हमारा आटा है वो अच्छे से भून चुका है। और अगर हमें फिर भी डाउट होता है तो हम एक बार कढ़ाई पे ऐसे करके देखेंगे तो भी घी ऊपर आने लग जाता है तो पता चलता है। तो दूसरी साइड हमारी जो चाशनी है वो तैयार है। देखो, अच्छे से चीनी भून चुकी है। इसमें अभी 5 मिनट इसको हम बंद कर देंगे, वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और इधर देखो, अपना कलर हलवे का अच्छा वाला आ गया है। तो बड़ा केयरफुली हम इसको सिम गैस कर देंगे, और जो भी पानी है अब इसमें डालेंगे। अब ये देखो, पानी हमने इसके अंदर डाल दिया, तो ये ऐसे में इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे जब तक ये हलवा कढ़ाई को छोड़ना दे, तब तक हम इसको हिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से उल्टी करछी से करते जाएंगे, इसमें कोई लम्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। इस तरीके से हलवाई स्टाइल में इसको हिलाना पड़ता है। ये इसका हलवे का तरीका होता है। ये गुरुद्वारे में ऐसे ही बनाया जाता है, मंदिर में गुरुद्वारे में जो तेल हम खाते हैं भगवान जी को, तो वो ऐसे ही बनती है। खाने में बहुत सॉफ्ट होता है और बड़ा टेस्टी भी होता है। ये देखो, हमारा हलवा जो है धीरे धीरे से कढ़ाई को छोड़ रहा है, बस 5 मिनट की और देरी है, ये अच्छे से तैयार है। ये देखो, सारे हलवे ने जो कढ़ाई को छोड़ दिया है और बड़े अच्छे से घूम रहा है, ये इसकी मेन निशानी होती है कि अभी हमारा हलवा है तैयार। ये देखो कितने अच्छे से घूम रहा है। तो हम गैस को बंद कर देंगे।
ये देखिए अपना जो प्रसाद है भगवान जी का भोग है वो तैयार हो चुका है। हलवा ये सब मिलके अच्छे से इंजॉय करो। मौसम बहुत अच्छा है बारिश का, तो उसके हिसाब से भी हलवा बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मेरी बेटी अपने हाथों से भगवान जी को भोग लगाएगी। तो ये देखो कि हलवा, ये देखो हमारे भगवान जी के लिए भोग तैयार हो चुका है। मेरी बेटी भगवान जी को भोग लगवा रही है। तो आप लोग सबको अगर ये चीज़ अच्छी लगे, हमारी रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करना। और अब हम आपको नई नई वीडियोस के साथ मिलेंगे, हमारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, हम बहुत सारी वीडियोस लेके आपके पास आएंगे। थैंक यू।